हेलो एवरीवन, अभी लॉकडाउन में बहुत तरह की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां कंपल्सन नहीं है वहां मात्र 5 to 10% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो बाकी 90% स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं। तो वेल, 90% स्टूडेंट्स में से मेजोरिटी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रात के 1 बजे तक जागते हैं, सुबह 12 या 1 बजे सोकर उठते हैं। कोई क्रिएटिव काम नहीं है सिवाय अपना समय बर्बाद करने के। ये जो फ्री पीरियड आपको मिला हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी राय है कि आप इसका यूज कीजिए, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। तो आपको इन लॉकडाउन में क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहला, आप अपना जनरल नॉलेज इंप्रूव कीजिए। रोज कम से कम 10 नए क्वेश्चंस आंसर्स को आप याद कीजिए। सेकेंड, अंग्रेजी के 10 नए शब्द सीखिए। नेक्स्ट, कोई ना कोई एक अच्छी किताब पढ़ना शुरू कीजिए। शुरुआत के लिए चलिए मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, आप शिव खेरा की यू कैन विन पढ़ना शुरू कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा पढ़ जाइए, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ रोज पढ़िए। और ये किताब ऑनलाइन पीडीएफ में आपको आसानी से मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, आप अपने मदर मदर की हेल्प करना शुरू कीजिए, खासकर तब अगर मेड सर्वेंट नहीं आती है तो। नेक्स्ट, आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, लेकिन कुकिंग में अपना हाथ ट्राई कीजिए, रोज कुछ ना कुछ बनाना सीखिए। अपने घर को एक नया लुक दीजिए, अपने गार्डन को सजाइए। अगर आप कि हाँ गार्डन है तो निश्चित रूप से आप गार्डन में कुछ समय दीजिए। नेक्स्ट है, आप लिखने की क्षमता बढ़ाइए। आप डेली कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लेकिन आप लिखिए जरूर। ये समय है, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कीजिए। तो अगर और कुछ नहीं, तो चलिए आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकिए, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सके, और अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकिए। ऑनलाइन बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं, आप उन प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए। और ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस से, आपके कोर्स की किताब से बिल्कुल नाता टूट जाए। आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। फॉर गॉड से कि बहुत इंपॉर्टेंट समय है, इसको आप वेस्ट मत कीजिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए, ये समय फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज से आप एक्शन में आइए, बी एक्टिव।